नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एम एस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन ए जी एस यू। फर्स्ट ईयर बी कॉम सेमेस्टर वन एक्सटर्नल एग्जाम आज से स्टार्ट हो गई और आज फर्स्ट पेपर था अकाउंट का, वो फिनिश हो गया। अब कल सेकेंड पेपर है, यानी कि 21 फरवरी को स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस यानी कि SPB का कल पेपर है। SPB के पेपर के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस जो रीडिंग टॉपिक्स हैं, लर्निंग टॉपिक्स हैं, हर एक यूनिट वाइज वो मैं कहना चाहूँगा। और ये इसलिए क्योंकि यही जो टॉपिक्स है इसमें से आपका जो कल का जो पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को और आप वहाँ पर आंसर लिख सकोगे। और ये जो प्रैक्टिस रीडिंग टॉपिक है ये लास्ट 5 ईयर एक्सटर्नल एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर के बेसिस के ऊपर है और साथ साथ में रेगुलर लेक्चर्स में टीचर्स के द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ा है स्टडी मटेरियल में से उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ यूनिट वाइज और आप सभी लोग राइट डाउन करें या फिर स्टडी मटेरियल में टिक कर लें। और ये लर्निंग टॉपिक है, लर्निंग टॉपिक यानी आपके जो भी कल क्वेश्चंस होंगे तो शायद इसमें से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले क्योंकि यही जो है वो पढ़ाया गया है। और लास्ट ईयर जो मतलब कि पिछले कई सालों में एक्सटर्नल एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग राइट डाउन करना। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वन से। तो यूनिट वन में रीडिंग टॉपिक नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, रीडिंग टॉपिक नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड लास्ट इंडस्ट्री रेगुलेशन। तो ये जो 3 रीडिंग टॉपिक है ये यूनिट 1 में से है। हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट, तो यूनिट नंबर टू में रीडिंग टॉपिक नंबर 1 जॉइंट स्टॉक कंपनी, रीडिंग टॉपिक नंबर 2 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, रीडिंग टॉपिक नंबर 3 पार्टनरशिप फॉर्म एंड लास्ट रीडिंग टॉपिक नंबर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 में रीडिंग टॉपिक नंबर 1 प्लांट लोकेशन, रीडिंग टॉपिक नंबर 2 प्लांट लेआउट, रीडिंग टॉपिक नंबर 3 स्ट्रेटेजी एंड लास्ट रीडिंग टॉपिक नंबर 4 मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 टॉपिक थे यूनिट 3 में से। अब बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में रीडिंग टॉपिक नंबर 1 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रीडिंग टॉपिक नंबर 2 इंटरनल पर्सनल स्किल, रीडिंग टॉपिक नंबर 3 डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन, रीडिंग टॉपिक नंबर 4 बिजनेस एथिक्स एंड कंज्यूमरिज्म। तो ये जो 4 टॉपिक थे ये यूनिट 4 में से। तो कल के पेपर में जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन आंसर होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे यही यूनिट में से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है यूनिट 1 में से 13 मार्क का क्वेश्चन, यूनिट 2 में से 12 मार्क का क्वेश्चन, यूनिट 3 में से 13 मार्क का क्वेश्चन और यूनिट 4 में 12 मार्क का क्वेश्चन ये कल आपको पूछा जाएगा। तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, आप सभी लोग इसको लर्न करें, इसके पॉइंट्स अच्छे से याद करें जिससे कल के पेपर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। नमस्ते।